वेल हेलो दोस्तों, और ये लो दोस्तों वीकली नॉर्थ ईस्टर्न टॉकीज का एपिसोड 2। हमारी पहली न्यूज है वंडर वुमन के रोल से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस गैल गैडोट की तरफ से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में ही बताया था कि गैल गैडोट अब वंडर वुमन का रोल और प्ले नहीं करना चाहती, और इसी बात में अभी की ताजा खबर ये है कि मिस गैल ने डीसी को बाय बाय बोलने के बाद रेड नोटिस के पार्ट 2 पे काम शुरू कर दिया है। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने मैडम के लिए ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बिग है, वेरी वेरी बिग। आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि रेड नोटिस का जो पार्ट 1 था वो नेटफ्लिक्स का अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट बजट वाला मूवी था, जस्ट बिकॉज की ये मूवी $200 मिलियन के बजट में बनी है। भाई लोग, इतने पैसों में तो एक हैवी वीएफएक्स वाली सुपरहीरो मूवी बन जाती है। बट इट्स ओके। वैसे हैवी वीएफएक्स से याद आया कि ओपेनहाइमर मूवी के एक प्रमोशनल इवेंट में जीनियस डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम क्रिस्टोफर नोलन ने ये कहा है कि वी मेड अ एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक मूवी सर दैट्स गिव यू अ सुपर रियलिस्टिक एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस इन थिएटर्स। एंड ये सुनने के बाद एवरीवन इज जस्ट शॉक्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स यार, न्यूक्लियर बेस्ड मूवी है तो रियलिस्टिक और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस देने के चक्कर में कहीं थिएटर में बॉम्ब ना लगा डाले भाई। और इसी बात के चलते ओपेनहाइमर मूवी में रिसेंटली काफी सारे मीम बन रहे हैं सोशल मीडिया में क्रिस्टोफर नोलन के इस वाले स्टेटमेंट को लेकर। स्पेशली ये वाला मीम तो मेरा फेवरेट है बॉस। वैसे ओपेनहाइमर के साथ एक और ए लिस्टेड मूवी है जो कि सेम डे पे रिलीज होगी, एंड दैट इज कॉल्ड कम ऑन बारबी लेट्स गो पार्टी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बारबी मूवी की। एंड इस मूवी के प्रमोशंस में एक बहुत ही ज्यादा यूनिक स्टाइल की अप्रोच अपनाई गई है, जहाँ मलेबू स्टेट में रातों रात एक पूरे के पूरे बड़े से पब्लिक एरिया के बीचों बीच पिंक कलर का हाउस अपेयर हो गया। और फिर सुबह में इसे देख के हर कोई हैरान है यार, चारों तरफ बस इसी के चर्चे हो रहे हैं। और बाद में पता चलता है कि ये तो एक एयरबीएनबी है जो कि लगवाया था बारबी मूवी के स्मार्ट मेकर्स ने, जिनकी ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, है ना अमेजिंग। वैसे यार, अब क्योंकि ये मेरी प्यारी मार्गरेट रॉबी की मूवी है तो मैं तो इस मूवी के लिए ऐसे ही एक्साइटेड हूँ। एंड आई होप कि ये मूवी अपनी रिलीज के बाद अपनी मार्केटिंग की तरह ही बवाल निकले। #loveyoubarbie #loveyoumargotrobbie। देन अब अगली बड़ी खबर ये है कि कैप्टन अमेरिका 4 ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है। दोस्तों, कुछ समय पहले ही इस मूवी की शूटिंग शुरू हुई थी और अब खत्म भी हो गई। मतलब यार, इतनी जल्दी कैसे, व्हाट द फक। अब हाँ, मुझे ये तो पता नहीं कि इन्होंने इतने कम टाइम में क्या शूट किया है, लेकिन एक इंटरव्यू में एंथनी मैकी ने ये कहा है कि मूवी की शूटिंग को इतनी जल्दी खत्म करने का ये इम्पॉसिबल सा काम हैरिसन फोर्ड की वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि मिस्टर फोर्ड एक कमाल के जीनियस एक्टर है और इन्हीं की देखरेख में रहते हुए हम सब ने ये काम को इतनी जल्दी खत्म कर पाया है, लाइक डायरेक्टर टू एक्टर्स एज वेल एज एवरीवन। अब गुरु, ये तो पिक्चर आने के बाद ही पता चलेगा कि इन्होंने सच में कुछ अच्छा परफेक्ट काम किया है या फिर कुछ अलग ही कांड करके बैठे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। आगे बात करें तो मार्वल की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि वांडा प्लेड बाय एलिजाबेथ ऑलसेन कंफर्म्ड है कि वो डेडपूल 3 में हमें देखने को मिलेगी। एंड अमेजिंग बात यह है कि ये कोई ऐसी वैसी वांडा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये वांडा हमें दिखाई जाएगी अर्थ 838 के वेरिएंट स्कारलेट विच का। जी हाँ गाइस, ये हमारी वही कातिल हसीना वाली वेरिएंट है जिसने इल्यूमिनाटी के कुछ मिनटों में ही एल लगा दिए थे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। और अब ये आ रही है डेडपूल और वुल्वरीन की वाट लगाने। सो यस, आई एम सुपरली एक्साइटेड टू वाचिंग स्कारलेट विच इन डेडपूल 3। एंड इसी से रिलेटेड एक और अपडेट है कि डेडपूल 3 मूवी की फिल्मिंग भी खत्म हो चुकी है। तो हाँ यार, बोलना पड़ेगा कि मार्वल फॉर्म में है, मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले ही कंप्लीट कर देते हैं। वाओ। अब स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की तरफ से है नेक्स्ट न्यूज़ कि इस मूवी में टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का एक भारी भरकम अपीयरेंस शूट किया गया था। अब आप लोग बोलोगे कि हमने भी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी देखी है भाई, घंटा टॉम हॉलैंड नजर नहीं आता। तो रुको, जरा सबर करो, दिखेंगे टॉमी भैया अपने, दिखेंगे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के नेक्स्ट पार्ट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, जो कि ऑफ कोर्स एक कनेक्टिंग मूवी है। तो हां, टॉमी भैया इसमें दिखा या उसमें, बात एक ही है। पॉइंट ये है कि टॉमी भैया दिखेंगे जरूर, कंफर्म। अब न्यू सुपरमैन लेगेसी के कास्टिंग को लेके बिग अपडेट ये है कि आखिरकार फाइनली अपने हेनरी केविल वाले सुपरमैन का टाटा बाय बाय हो गया, क्योंकि फाइनली जेम्स गन ने अपना सन ऑफ सन सुपरमैन चुन लिया है, जहां हेनरी केविल को रिप्लेस कर रहे हैं सुपरमैन के रोल में डेविड गोंसावेट। और इसी सुपरमैन की नई कास्टिंग को लेके एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है कि लोग डेविड को हेनरी केविल की सस्ती कॉपी बुला रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही एक्टर के नाक नक्शे शक्ल सूरत बोले तो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी मैच होती है। तो इसीलिए हेनरी केविल के फैंस अफेंड हो चुके हैं कि अगर चिकने लौंडे को ही लेना था तो अपने हेनरी केविल में क्या कमी थी भाई। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन इस नई कास्टिंग को लेके ये है कि सही तो है यार, प्रॉब्लम क्या है, बल्कि ये तो और भी ज्यादा अच्छा ही होगा, परफेक्ट ही होगा कि वो उन्होंने कुछ ऐसे एक्टर को लाया है जो पिछले वाले से मैच करते हैं, जो कि सुपरमैन से मैच करेगा। और वैसे भी कास्टिंग में पूरा का पूरा हाथ अपने जेम्स गन भैया का है, तो मुझे तो भाई साहब में पूरा भरोसा है, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ये उनका रिकॉर्ड बोलता है भाई। एंड आई होप कि मैं सही हूं, आई होप कि जेम्स गन सही हो। एंड ऑन अनदर हैंड, सुपरमैन की लव इंटरेस्ट लुईस लेन
के लिए उन्होंने कास्ट किया है रेचल ब्रोसहैन को। एंड भाई लोग माँ कसम, इतनी ब्यूटीफुल लुईस लेन अगर हमें देखने को मिल गई तो सुपरमैन जाए भाड़ में, मेरी आंखें तो बस इन पे ही टिकी रहेगी। बस होप करते हैं कि मूवी जल्द से जल्द आ जाए, बिकॉज यस ये कास्टिंग मेरी पर्सनल चॉइस है एंड आई मीन परफेक्ट एंड नाइस। देन गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में ही बताया था कि राइटर्स की स्ट्राइक चल रही है अभी हॉलीवुड में, तो इसीलिए हॉलीवुड के जितने भी प्रोजेक्ट्स है लाइक मूवीज और वेब सीरीज वो थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि ये कांड और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है और हॉलीवुड के और भी बड़े लेवल पे एल लगने वाले हैं, क्योंकि लोकी, डेयर डेविल एंड द बॉय जैसे टीवी शोज और हॉकिन फिनिक्स जैसे एक्टर जो कि फर्स्टली एक टीवी एक्टर है, तो हाँ चांसेस है कि टीवी एक्टर्स की अब स्ट्राइक बहुत ही जल्द शुरू हो सकती है हॉलीवुड में, क्योंकि अपना वही पुराना एक्टर वर्सेस मेकर्स का बड़ा वाला लफड़ा चल रहा है, बोले तो फुल ऑन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो चुकी है भाई, और इसीलिए टीवी एक्टर्स अपने डिमांड को पास कराने के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं। बट इसी बीच एक गुड न्यूज ये भी है कि टीवी एक्टर गिल्ड ग्रुप और अदर पार्टीज के ग्रुप के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है, और अगर ये समझौता सक्सेसफुली हो जाता है तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। तो भाई लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर ये नेगोशिएशन फ्लॉप हो जाता है तो बॉस, आप लोग जिस भी टीवी शोज का इंतजार सालों से कर रहे होंगे बहुत ही ज्यादा बेसब्री से, तो ये समझ लो कि आपके सब्र का इम्तिहान और भी लिया जाएगा इन शोज को डिले करके। बट होप करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि एक राइटर्स की स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है, तो सोच लो अगर टीवी वाले भी स्ट्राइक में चले गए तब तो कांड होना है पक्का। अब आगे बढ़ते हुए मैं ये बता दूं कि द विचर सीजन 3 का वॉल्यूम 1 रिलीज हो चुका है, और अनफॉर्चुनेटली मैंने ये हाफ सीजन अभी तक देखा तो नहीं है, लेकिन 2 एपिसोड बिंज वॉच कर लिए हैं। और हाँ, मैं द विचर सीजन 3 के बारे में आप लोगों को अभी कुछ खास नहीं बताने वाला, क्योंकि वो सब मैंने रिव्यू के लिए बचा के रखा है, तो अगर वो रिव्यू देखना चाहते हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मगर हाँ, मैं इतना तो जरूर बोल सकता हूँ कि द विचर फायर है बॉस, अभी के अभी जाके देख लो और इसके पूरे मजे ले लो। वैसे द विचर को लेके भी एक बहुत ही बिग अपडेट है कि हेनरी कैविल का यहाँ से भी पत्ता कटने वाला है और उनको रिप्लेस करने वाला है एस विचर लेम हेम्सवर्थ। बट ये इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं होने वाला किसी एक इंडियन सीरियल की तरह कि एक पर्टिकुलर एपिसोड में आपको एक फलाना एक्टर देखने को मिला तो उसी के दूसरे एपिसोड में ढिमकान एक्टर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं भाई। बल्कि मेकर्स ने ये कहा है कि द विचर के सीजन 3 के वॉल्यूम 2 के लास्ट में या फिर सीजन 4 के फर्स्ट में ही वो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे कि हमारा विचर ऐसे से ऐसा कैसे हो गया, और मैं चाहता हूं कि हमें कोई ठोस कारण मिले ना कि बकचोद। बट ओवरऑल सैड बात यह है कि अपने हेनरी कैविल यहां से भी गए और वहां से भी, बोले तो यार शिट मैन, हैशटैग फीलिंग सॉरी फॉर यू हेनरी कैविल सर। अब लास्ट न्यूज ये है कि क्रेविन द हंटर मूवी जो कि बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है वो भी प्रॉपर आर रेटेड। तो क्रेविन के मेकर्स ने ये कहा है कि अगर ये पिक्चर हैवीली सक्सेसफुल हो गई, इट्स मीन अगर इस मूवी ने लपक के पैसा कमा लिया, तो हम वादा करते हैं कि हमारा नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट होगा स्पाइडरमैन वर्सेस क्रेविन द हंटर। और उन्होंने इनडायरेक्टली घुमा फिरा के हमें ये भी बता दिया कि इस मूवी में हो सकता है हमें एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन देखने को मिले। अमेजिंग ना। अब हाँ, ये बात तो हम सभी जानते हैं यार कि ये एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी है, हमारे फेवरेट स्पाइडी का मस्का लगा के ये लोग क्रेविन द हंटर मूवी को सुपर हिट कराना चाहते हैं। तो इसी बात में मैं मेकर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सर, अगर आपकी पिक्चर अच्छी होगी तो हम खुद ब खुद जाके देखेंगे और पिक्चर भी सुपर हिट हो जाएगी, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। वैसे दोस्तों, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इन सभी न्यूज़ को सुनने के बाद क्या थिंकिंग है, और तब तक के लिए देखते रहिए नाती गेम्स। बोले तो धन्यवाद दोस्तों।